योग समान बल नहीं और सांख्य समान ज्ञान नहीं। ये कहावत उस समय प्रचलित थी जब भारत ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था। उसी समय भारत में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध विज्ञान बना दिया। पतंजलि ने दावा किया था कि हम चेतना के बहुत ही उथले और सतही धरातल पर जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। इन सूत्रों में उन्होंने ऐसी तकनीक बताई है जिससे हम अपनी चेतना के मूल तक पहुंच सकते हैं और सृजन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। कौन थे पतंजलि? जिस योग का प्रतिपादन उन्होंने किया वो कैसा था? उनसे पहले कैसा था? उनके बाद कैसा हो गया? भारत के 6000 वर्षों की काल यात्रा में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। लगभग 3 वर्ष पहले इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं और साहित्यकारों की मदद से योग का इतिहास लिखने और उस पर फिल्म बनाने की गंभीर कोशिश की गई। सारा ही प्राचीन योग हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की धार्मिक मान्यताओं में लिपटा हुआ पाया गया। हमने पाया कि योग का इतिहास केवल पतंजलि के योग सूत्रों और उनके भाष्यों का इतिहास नहीं है, न ही ये मध्यकालीन हठ योग का इतिहास है। योग की जड़ें तो काल के धरातल में बहुत गहराई तक गई है, लेकिन हम 5000 वर्ष पुरानी इस सील पर भद्रासन के इस चित्रण तक भी सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि हमने उस जीवन शैली को तलाशने की कोशिश की है जिस पर योग के यम और नियम खड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा करके करीब 80 स्थलों और 35 संग्रहालयों में बिखरे प्रमाणों को फिल्माया गया है। विशेषज्ञों की राय के बाद भी बहुत ही सावधानी और आम सहमति के साथ प्रमाणों की व्याख्या की गई है। ध्यानस्थ कर देने वाले गीत, संगीत, नृत्य तथा नाटक ने तथ्यों को जीवंत कर दिया है। जम 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 बनाधिनी। योग का इतिहास धर्म और आस्था का इतिहास नहीं है। सदियों से बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतने की जैसी ईमानदार कोशिशें योग ने की है, वैसी तीव्र कोशिशें केवल आज का विज्ञान ही कर रहा है। इसीलिए इसके इतिहास और मौलिकता का जितना महत्व आज है उतना पहले कभी नहीं रहा। सदा रहे। ये अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज राष्ट्र को समर्पित है।